मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भोपाल से आए हुए वन विभाग के अपर प्रबंधन समन्वयक एचयू खान ने जिले का दौरा किया एवं विभिन्न तेंदुपत्ता फंडों का निरीक्षण किया है। उन्होंने जिले में अच्छी क्वालिटी के उत्पादित तेंदुपत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस बार मौसम अच्छा होने के कारण तेंदुपत्ता की क्वालिटी पहले से अच्छी है, जहाँ तेंदुपत्ता अपने पूरे आकार में तैयार हुए हैं, जिसका फायदा पूरी तरह से सरकार को मिलेगा। उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता की तुड़ाई का काम 31 मई तक किया जाएगा। तेंदुपत्ता उत्पादन अच्छा होने के कारण टारगेट से ज्यादा उत्पाद होने की उम्मीद है। पिछले समय में तेंदुपत्ता 100 ग्राहकों को बैंक से पेमेंट किया जा रहा था, लेकिन सरकार के निर्देश अनुसार अब संघ ग्राहकों के क्षेत्र में जाकर नगद भुगतान किया जाएगा। उमरिया जिले में अन्य जिलों से आकर श्रमिक तेंदुपत्ता तोड़ने हैं और ट्रेन के माध्यम से तेंदुपत्ता ले जाते हैं, जो पूरी तरह से अवैध है। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। तेंदुपत्ता संग्रहण जो काम है मध्य प्रदेश राज्य लंबोनों पर संघ करता है और उमरिया हमारा बहुत प्राइमरी एरिया है। प्राइमरी से कहने का मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण हमारा जिला यूनियन है और प्रदेश में लगभग ये दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर। तो यहाँ का जो लक्ष्य है हमारा वो है करीब 110,000 मानक बोरा संग्रहित करना है। उसमें हमारे लगभग 600 गाँव में 538 फणों संग्रहण केंद्र बनाए हैं जहाँ पर हम ये काम करते हैं और इन 538 संग्रहण केंद्रों से लगभग हमारे 60,000 परिवार जुड़े हुए हैं। तो एक परिवार अगर 5 में जाए तो लगभग 3 लाख लोग हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं सरकार ने 2500 रुपये प्रति 100 गड्ढी का दर इस बार निर्धारित किया है, 1000 गड्ढी का 250 रुपये की 100 गड्ढी। तो इससे भी ग्रामीणों में अपार उत्साह है। तेंदुपत्ते का सीजन अच्छा है, प्रूनिंग अच्छा हुआ है, तेंदुपत्ता अच्छा तैयार है। पिछले दिनों गर्मी रही है तो संग्रहण अच्छा होगा और ये बहुत बड़ा उत्सव है ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष करके जो जंगल के आदिवासी लोग हैं, समुदाय है, प्लस हमारे जंगल के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके लिए आय का और जीवन यापन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तेंदुपत्ता का जो मामला है वो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में और गरीबों के लिए एक रोजगार का साधन है। आज से एक दशक पहले जो तेंदुपत्ता कम से कम 15 से 20 दिन एक महीना तक चलता था और अब जो है जो सरकारें हैं वो तेंदुपत्ता को एक हफ्ता एक पखवाड़ा में चला के समाप्त कर देते हैं। उनके पीछे ये तर्क रहता है कि हमारा जो टारगेट है पूरा हो गया है और तेंदुपत्ता का जो पत्ता जब कायदे से बढ़ता है और बीड़ी और ये जो व्यवसाय के लिए काम आता है उस समय वो बंद हो जाते हैं, फड़ गए खरीदी। तो इसमें जो ठेकेदार हैं तेंदुपत्ता के और जो बड़े बड़े काला बाजारी लोग हैं वो वहीं वो ग्रामीण में जाते हैं और ये पत्ता खरीदते हैं और खुलेआम बेचते हैं। तो जो फायदा आम उपभोक्ता को मिलना चाहिए, आम नागरिक को मिलना चाहिए, उन्हें मिल पाता, ठेकेदारों को मिलता है। दूसरी बात ये है कि जब तेंदुपत्ता जो टूटने से पहले जो सरकार की योजना थी वो फुनिंग होती थी, जो तेंदुपत्ता के छोटे छोटे पौधे होते थे उनको जो ऊपर के हिस्सों को काट दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, जो पत्ते होते थे बड़े कोमल निकलते थे और बिल्कुल उपयोग के लायक रहते थे। ये प्रक्रिया भी आजकल बंद कर दी गई है। शासन प्रशासन बस केवल फार्मूला में काम कर रहा है जो कि निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के आदिवासी हैं, गरीब हैं, उनके हितों में कुठाराघात होता है। हम शासन से अपेक्षा करते हैं कि और समय तक पत्ता तोड़ाया जाए, फड़ लगाया जाए और खरीदे।